नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल भी बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार से उसका फॉर्म भरा जाता है और क्या क्या ऑप्शन उसमें ऑनलाइन भरते समय आते हैं, उसका फॉर्म फिलअप करके आपको ऑनलाइन दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करके दिखाएंगे किस तरह वो भरा जाता है फॉर्म, क्या क्या उसमें पूछते हैं, क्या क्या उसकी स्टेप होती हैं। कंप्यूटर की ब्राउज़र में आ जाएंगे, कंप्यूटर के ब्राउज़र में आ जाएंगे और उसमें गूगल में टाइप करेंगे आप ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे और ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करके सर्च कर देंगे, इसमें ऊपर ही आ जाता है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी वाली, ये वाली वेबसाइट आपको खोलनी है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। जो आपको आईडी मिली हुई है, जिसकी भी आपके पास आईडी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के चाहे CSC के द्वारा दी गई है, उसको आप आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के नीचे कैप्चा कोड डाल के इसको फिलअप करके कैप्चा कोड को सबमिट पर क्लिक करके इसको खोल लेंगे आईडी को। और देखो दोस्तों, आपके सामने इस तरह सामने खुल के आ जाता है प्रमाण पत्र, से निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के नीचे निवास प्रमाण पत्र आता है और यहाँ पे सबसे पहले पूछता है प्रार्थी का नाम हिंदी में, प्रार्थी का नाम डाल देना है हिंदी में, उसके बाद प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में डाल देते हैं, पिताजी का नाम हिंदी में और उसकी माता का नाम हिंदी में, ये चारों चीज़ें बिल्कुल सही से डालते हैं, प्रार्थी का नाम हिंदी में, प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, उनके पिता और माता का नाम दोनों का हिंदी में, ठीक है। उसके बाद उनका एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस में मकान नंबर अनिवार्य नहीं है, आप अगर हिंदी वाला अप्लाई कर रहे हैं तो कोई उसमें अनिवार्य नहीं, बाकी ये तीन चीज़ें उसमें सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिला, तहसील और ग्राम का नाम ये सेलेक्ट करना पड़ता है उसमें, और थाना भी इसमें आता है, थाना भी आपको चार चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ भी आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या उसमें कैलेंडर खुल कर जाता है, कैलेंडर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर में खुल का जाएगा, पहले सन सेलेक्ट कर लेंगे उनका, फिर उसका महीना उस सन का और फिर उसकी तारीख, और जन्म का स्थान में आप जिले का नाम भी डाल सकते हैं या गांव का नाम भी डाल सकते हैं, जिस भी गांव में उनका जन्म हुआ या जिस भी ज़िले में उनका जन्म हुआ आवेदक का, आप वो भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर में आवेदक का प्रार्थी का मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर प्रमाण पत्र बनवाने का जो कारण पूछ रहा है, इसमें आवश्यक कार्य हेतु या छात्रवृत्ति या वृद्धा पेंशन के लिए जहाँ के भी लिए आप अप्लाई करें वो भी डाल सकते हैं, वैसे आवश्यक कार्य हेतु में डाल दो आप सारी चीज़ आ जाती है उसमें, वृद्धा पेंशन जिस भी चीज़ के लिए आपको चाह रहा है वो सारी चीज़ें आवश्यक कार्य हेतु में आ जाती है, वो डाल देना, फिर इसमें और आप ऑप्शन छोड़ सकते हैं, उसके बाद सीधा अटैचमेंट पर आ जाइए, संलग्नक पर आ जाइए, संलग्नक में आप फोटो चूज़ कर लीजिए, पहले 50 KB से कम जिसका साइज रखना है, 50 KB से ऊपर ना हो जाए इसका साइज, उसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, जो आप पहले ही भर के रखते हैं, इसको भी आप सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिए, इसका साइज आपको 100 KB से कम का रखना है, 100 KB से ऊपर इसका साइज ना जाए, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको आप एडोब फोटोशॉप या ऑनलाइन भी वेबसाइटों के माध्यम से आराम से क्रॉप कर सकते हैं साइज इसका। उसके बाद आप अन्य, जैसे आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड का इसमें ऑप्शन तो आता नहीं, आपको अन्य में ही भरना पड़ेगा, उसको अन्य सेलेक्ट करेंगे और अन्य में मैनुअली टाइप करके आधार कार्ड फिर इसको अपलोड करेंगे, जैसे आ गया इधर खाली अन्य, इसमें आधार कार्ड लिख लेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड लिख देंगे, जैसे हमें आधार कार्ड अपलोड करना, क्योंकि 2 ID इसमें अनिवार्य होती है, 2 ID आपको अपलोड करनी है, और अपने कंप्यूटर में से सेलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड या जो भी आप अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उनका साइज़ भी आपको 100 KB से कम ही रखना है, आधार कार्ड का साइज़ भी हम 100 KB से कम ही रखेंगे, साइज़ का विशेष ध्यान रखना है, 100 KB से पर अगर आपका साइज चला गया तो सिस्टम इसको नहीं पकड़ेगा, सिस्टम उसको साइज़ कंप्रेस करने के लिए बोल देगा, ठीक है। और इसके बाद एक आईडी और अपलोड करनी है, जैसे हमारे पास TC है इसकी, आवेदक की, प्रार्थी की, तो हम TC सेलेक्ट कर लेंगे अपने कंप्यूटर से, अन्य में 2 ID मैंडेटरी है इसमें, 2 ID आपको करनी है सेलेक्ट, वरना फिर आपके लेखपाल या पटवारी उसको कैंसिल या रिजेक्ट मार सकते हैं, उससे बचने के लिए आप पहले ही 2 ID या 2 से अधिक भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वो लिस्ट में जाते हैं संलग्नक वाली में, और अगर अदर डॉक्यूमेंट उसको तो आपको मैनुअली टाइप करके लिखना पड़ेगा, जैसे TC है तो TC लिख देंगे नाम इसका और फाइल को कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लेंगे, 100 KB से नीचे भी इसका भी साइज है, और अपलोड पर क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद, ये थोड़ी देर प्रोसेस होके अपलोड हो जाता है। थोड़ी देर प्रोसेस होके अपलोड हो जाता है ये,
अगर स्पीड अच्छी है या वेबसाइट अच्छी चल रही है तो तुरंत साथ के साथ अपलोड हो जाता है। बाकी कभी कभी वेबसाइट थोड़ा बिजी रहती है या नेट हमारा स्लो चलता है तो उसकी वजह से थोड़ा ये देखिए हो जाएगा अपलोड। अब इसमें सिक्योरिटी कोड जिसको कैप्चा कोड हिंदी में बोलते हैं इसको फिलअप कर लेंगे, चार अंकों का आता है, इसमें चार अंकों का कैप्चा कोड एंटर कर लेंगे, टाइप कर लेंगे इसमें, और टाइप करने के बाद दर्ज करे पे क्लिक कर लेंगे। दर्ज करे पे क्लिक कर देंगे, दर्ज करे पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम प्रोसेस होने के बाद ये आवेदन का नंबर जनरेट कर देगा सिस्टम। हिंदी टाइपिंग के लिए इसमें आप गूगल इनपुट टूल्स का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश टू हिंदी भी गूगल में डाल सकते हैं। देखिए सामने दोस्तों आपको प्रोसेस हो गया और आवेदन संख्या इसके सामने ही आ गई है। आवेदन संख्या को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में स्टेटस चेक करना हो या स्थिति देखनी हो तो आवेदन नंबर से चेक होते हैं। और ये अपना एक बार देख लेंगे, सारा प्रीव्यू कर लेंगे डेटा सारा, कि सारा हमारा डाटा सही है, आवेदक का नाम, उसके पिता पिता का माता का नाम सब सही होना चाहिए। और ये अपने एक बार डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं क्लिक करके कि सब डॉक्यूमेंट सही अपलोड हो रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके सब डॉक्यूमेंट अगर सही है तो बस अपना फिर एक बार और देख के आप इसको सबमिट कर दीजिए और दर्ज करे पे क्लिक करके फीस वगैरह काट के इसकी लेखपाल को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको। धन्यवाद दोस्तों।